हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर क्लासरूम आज हम लोग बात करेंगे इलेक्शन रिलेटेड वोकेबुलज के बारे में इंडिया में फिलहाल इलेक्शन चल रहा है तो इसीलिए इसके रिलेटेड वोकेबुलरी की मीनिंग हिंदी और इंग्लिश में जानना बहुत जरूरी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एम्पावर्ड टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया हिंदी में जिसे हम लोग भारत निर्वाचन आयोग कहते हैं नंबर टू इज पोलिटिकल पार्टी दैट इज अ ग्रूप ऑफ पीपल हु कम टूगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल पावर इन द गवर्मेंट जिसे हिंदी में हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं नंबर थ्री इज अपोजिशन पार्टी द पार्टी विच सिक्योर्स द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स आईदर इन अपर और इन लोअर हाउस आर कॉल्ड एक्चुअली अपोजिशन पार्टी हिंदी में कहेंगे विपक्षी दल नंबर फोर इज इलेक्टोरल सिम्बॉल क्या है ये इट इज अ स्टैंडर्डाइज सिम्बॉल एलोकेटेड टू ईच पॉलिटिकल पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसे हिंदी में कहेंगे चुनावी चिन्ह नंबर फाइव इज अलायंस क्या है ये इट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट जिसे हिंदी में कहते हैं गठबंधन नंबर सिक्स इज मैनीफेस्टो ये क्या है अ रिटन स्टेटमेंट बाय अ पॉलिटिकल पार्टी दैट एक्सप्लेन्स व्हाट इट मे डू इफ इट फॉर्म्स द गवर्नमेंट जिसे हिंदी में हम लोग घोषणा पत्र कहते हैं नंबर सेवन इज इलेक्शन कैंपेन क्या है ये इट इज अ कैंपेन टू इन्फ्लुएंस द डिसन मेकिंग प्रोसेस ऑफ पीपल जिसे हिंदी में कहेंगे चुनाव अभियान नंबर नाइन इज कोड ऑफ कंडक्ट ये क्या होता है इट इज़ अ सेट ऑफ नॉर्म्स इशूड बाई द इलेक्शन कमीशन टू द पोलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा जिसे हिंदी में कहते हैं आचार संहिता नंबर नाइन इज कंस्टिट्युंसी मतलब क्या है एन एरिया हुज वोटर्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी जिसको हिंदी में कहते हैं चुनाव क्षेत्र नंबर टेन इज इलेक्टोरेट मतलब क्या है ओनली दोज पीपल हु आर एलिजिबल टू वोट इन एन इलेक्शन इज कॉल्ड इलेक्टोरेट जिसको हिंदी में कहेंगे मतदाताओ नंबर इलेवन इज सफरेज ये क्या होता है इट इज द राइट टू वोट इन पोलिटिकल इलेक्शन जिसको हिंदी में कहेंगे मताधिकार नंबर ट्वेल्व इज फ्रेंचाइज जिसका मीनिंग बिल्कुल सफरेज की तरह ही होता है इट इज द राइट टू वोट इन पोलिटिकल इलेक्शन जिसको हिंदी में कहेंगे मताधिकार नंबर थर्टीन इज कास्ट वोट ये क्या होता है इट इज द एलिजिबल वोटर्स गोइंग एंड प्लेसिंग दे आर वोट इन पोलिंग बूथ जिसको कहेंगे हम लोग वोट डालना नंबर फोर्टीन इज पोलिंग स्टेशन ये क्या होता है इट इज अ बिल्डिंग वेयर पीपल गो टू वोट इन इलेक्शन टाइम जिसको हिंदी में कहेंगे मतदान केंद्र नंबर फिफ्टीन इज पोलिंग बूथ ये क्या होता है इट इज अ स्मॉल इनक्लोज प्लेस वेर पीपल स्टैंड टू वोट इन एन इलेक्शन जिसको एक्चुअली हिंदी में कहेंगे मतदान कक्ष नंबर सिक्सटीन इज बैलॉट ये क्या होता है इट इज अ सीक्रेट रिटेन वोट मतलब हिंदी में कहेंगे मत पत्र नंबर इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको हम लोग शॉर्ट में ई कहते हैं ये एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है थ्रू विच फेयर इलेक्शन इज डन और कंडक्टेड इन इंडिया नंबर एटीन इज रिटर्निंग ऑफिसर ये कौन होते हैं इट इज एन ऑफिसर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शन इन पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जिनको हिंदी में कहा जाता है रिटर्निंग अधिकारी नंबर नाइनटीन इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये होते हैं वो ऑफिशियल जो कि इंचार्ज होते हैं ऑफ द पोलिंग स्टेशन इन एन इलेक्शन जिसको हिंदी में कहेंगे पीटाशीन अधिकारी नंबर ट्वेंटी इज सेफोलॉजी ये एग्जाम्स में भी काफी बार आ चुका है ये क्या होता है इट इज द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ इलेक्शन एंड ट्रेंड्स इन वोटिंग जिसको हिंदी में कहा जाता है चुनाव विश्लेषण नंबर ट्वेंटी वन इज सेफोलॉजिस्ट अ पर्सन हु स्टडीज हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन इज कॉल्ड सेफोलॉजिस्ट हिंदी में कहेंगे चुनाव विश्लेषक नंबर ट्वेंटी टू इज ओपिनियन पोल ये क्या होता है इट इज अ प्री इलेक्शन सर्वे कंडक्टेड टू गैदर द व्यूज ऑफ वोटर्स जिसको हिंदी में कहते हैं जनमत सर्वेक्षण नंबर ट्वेंटी थ्री इज एग्जिट पोल ये ओपिनियन पोल से अलग होता है इट इज अ प्रडिक्शन बाई सर्वेइंग द वोटर्स हु हैव वोटेड टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन जिसको एक्चुअली हिंदी में कहेंगे निर्गम मतानुमान नंबर ट्वेंटी फोर इज टर्न आउट ये क्या होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन इज कॉल्ड टर्न आउट हिंदी में कहते हैं कुल मतदान टी इट इज सिचुएशन इन विच वन पर्सन और पार्टी विंस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन जिसको एक्चुअली कहते हैं पूर्ण बहुमत नंबर ट्वेंटी सेवन इज मिड टर्म इलेक्शन एक्चुअली इट इज हेल्ड व्हेन लेजिस्लेचर इज डिजोल्व बिफोर इट्स एक्सपायरी ऑफ फुल टर्म ये किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है जिसको हिंदी में कहेंगे मध्यावधि चुनाव नंबर ट्वेंटी एट इज बाई पोल ये क्या है इट इज एन इलेक्शन यूज टू फील एन ऑफिस दैट हैज़ बिकम वैकेंट बिटवीन जनरल इलेक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं उप चुनाव नंबर ट्वेंटी नाइन इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जिसको एक्चुअली शॉर्ट में कहते हैं एफ पी टी पी सिस्टम एक्चुअली इट इज अ कैंडिडेट सिक्योरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर द विनर नंबर थर्टी इज पोस्टल वोटिंग इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एबसेंटिव वोटिंग इट इज अ मेथड इन विच वोटर्स कैन कास्ट देयर बैलॉट्स बाई मेल जिसको हिंदी में कहेंगे डाक द्वारा मत नंबर थर्टी वन इज फ्रे इट इज अ नॉइजी क्वारल दैट इन्वॉल्व मैनी पीपल जिसको हिंदी में कहते हैं दंगा